भारतीय रेलवे में अक्सर यात्रियों को ये शिकायत रहती है कि ट्रेन अपने समय से गंतव्य तक नहीं पहुंचती और खासकर उत्तर भारत और मध्य भारत में ये शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह क्या क्या है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? आखिर क्या कारण है कि कुछ रूटों पर ट्रेन देरी से चलती हैं और वहाँ पर कोई तकनीकी या मानवीय समस्या तो नहीं है, या फिर कुछ और वजह है? कहीं आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है? इसी की पड़ताल किया है हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने इस खास रिपोर्ट में। भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी और भारत की पहली सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था है, जिसमें रोजाना 2 से 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। परंतु ट्रेन के देरी से चलने और अपने गंतव्य पर समय से नहीं पहुंचने की आखिर वजह क्या है? ट्रेनों को रोक करके भी अगर सेफ्टी इंश्योर करना है तो हमें वो करना है, ये इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है। उसी के तहत हम लोग जो पुराने बहुत दिन से जो ट्रैक रिन्यूअल का काम होता है, नवीनीकरण का काम होता है, जो ट्रैक में अभी चल रहे हैं वो उसका यूटिलाइजेशन कैपेसिटी से ज़्यादा यूटिलाइज हो गया, तो उसको पूरा करने के लिए हमें ब्लॉक लेना पड़ता है। दरअसल आज़ादी के बाद 70 वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या तो लगातार बढ़ती रही और उसी अनुपात में रेलगाड़ियां भी, परंतु सच्चाई ये है कि इन 70 सालों में रेलवे ट्रैक पर पिछली किसी भी सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा रहा रेल दुर्घटना है। लेकिन मौजूदा सरकार की अब पहली प्राथमिकता इन रेल हादसों पर लगाम लगाने के लिए रेल सेफ्टी को मजबूत करना है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 1960-61 में 2131 रेल हादसे हुए, वहीं 1980-81 में 1013 हादसे सामने आए। 1999-2000 में इन हादसों की संख्या 463 रही, जिसमें दुर्घटना का अनुपात 0.65 प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटर रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी तब देखने को मिली जब 2014-15 में मोदी सरकार सत्ता में आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2017-2018 में मौजूदा सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेंटेनेंस वर्क के कारण इस आंकड़े में भारी गिरावट आई है। 2017-2018 पिछले 70 सालों में भारतीय रेलवे के इतिहास में रेल हादसे का आंकड़ा सबसे न्यूनतम रहा, यानी 0.06% प्रति मिलियन ट्रैक किलोमीटर। भारतीय रेल पर सेफ्टी सबसे अहम और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। पहले हम जो ब्लॉक्स लिया करते थे उसकी संख्या अब दोगुनी तिगुनी तक कर दी गई है। वहीं अगर मरम्मत कार्यों पर नजर डालें तो पिछले 4 वर्षों में मार्च 2018 तक 18,642 ट्रैक रेल किलोमीटर की मरम्मत का काम पूरा किया जा चुका है। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, अब भारतीय रेलवे ने भी इस मंत्र को अपना लिया है। अब भारतीय रेलवे सेफ्टी और पटरियों के मेंटेनेंस के ऊपर 2022 तक 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जाहिर है जब पटरियां दुरुस्त होंगी तो ट्रेन भी रफ्तार पकड़ेगी और यात्री समय से अपने घर पहुंच सकेंगे। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अभिषेक सिंह, DD News, दिल्ली।